सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत चंपावत जिले में चारों विकास खंड के सुदूरवर्ती स्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा अपने अपने अनुभव साझा किए गए। वहीं विभिन्न योजनाओं के छूटे हुए लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। लोहाघाट विकासखंड के सुईखैस कांडे की मुन्नी खरकवाल ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। उन्होंने आभार जताया कि पक्का मकान मिलने से परिवार को एक सुरक्षा कवच मिल गया है। हमें भी इससे बहुत लाभ हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिली से हमको एक आवास मिला, जिससे हमें पहले बहुत दिक्कतें होती थी। हमारे घर में छत से पानी टपकता था और उससे हमें बहुत रहने के लिए असुविधा हो रही थी, और उसके कारण जब हमको आवास बनाने के लिए उस योजना का लाभ उठाने के लिए मिला तो हमें अब बहुत सुविधाएं हो रही हैं। और इसकी जानकारी हम सब महिलाओं को भी दे रहे हैं, सब गाँव वालों को भी दे रहे हैं कि इससे आप लोग भी लाभ उठाएं। वहीं एक अन्य महिला पूजा चतुर्वेदी ने बताया कि उनके पास गैस कनेक्शन नहीं था, उज्ज्वला गैस योजना के तहत उन्हें गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना से लाभ प्राप्त हुआ है और इसमें सब्सिडी भी बढ़ाई गई है 300 रुपए का दिया गया है। पहले हम जंगल बहुत दूर दूर तक लगे जंगल में जाते थे और आजकल हमें गैस के उससे बहुत फायदा हो रहा है। खैस कांडे के ग्राम प्रधान भुवन चौबे ने बताया कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न विभागों द्वारा कैंप लगाए गए हैं, जो विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। साथ ही योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों द्वारा आवेदन भी किए गए। हमारे यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक विभाग के यहाँ पर स्टॉल लगाए, करीबन 21 विभागों के स्टॉल लाभ देख रहे हैं, तो जनता इसका लाभ ले रही है सीधे सीधे, जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल और हमारे जो राजस्व विभाग है, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, जितने भी विभाग है, उज्ज्वला से संबंधित गैस विभाग है, तो सारे विभाग है, तो इन विभागों का जनता सीधे सीधे लाभ ले रही है। जो समस्या है वो उस तरीके से अपना यहाँ पर अपना निवेदन कर रहा है और समस्याओं का यहाँ पर निवारण तुरंत पा रहा है।